अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी होगी। वो भला क्या, मैं कर रही थी मेकओवर अपने मेन चैनल के लिए, तो मैंने सोचा चलो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है, सभी चले कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मैं भी एक दो वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं वीडियो बना रही थी, पहले मिनाहिल को तो ले आए थे, लेकिन जब अयान को लेके आने की बारी आई ना, तो फैसल मुझे कह रहे कि जल्दी से ना बुरखा पहनो, यान को लेने जाना है। मैंने कहा अच्छा बस 5 मिनट, तो वो कहने लगे नहीं टाइम हो गया। मैं चीज़ें समेटने लग गई, ठीक है ना, जितनी देर में मैंने बुरखा पहनना है उतनी देर में वो लोग निकल चुके हैं मुझे छोड़ के। तो वो मुझे छोड़ के चले गए मैं नाहिल को लेके ना। अब देखते हैं आते हैं तो फिर मैं देखती हूँ कि उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि क्या रिएक्ट होता है उनका कि तू मेरे साथ नहीं गई है कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने आईज़ मेकअप लुक आज क्रिएट किया था, जाके मेरे मेन चैनल पे देख लीजिएगा। ये आई लैशेज़ का बड़ा इशू होता है, एक आँख से पता नहीं क्यों उतरने लग जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक था, बहुत ही अच्छा था। एक मैंने बेस हाँ क्राइलोन से जो बेस तैयार करते हैं ना उसके वाली भी, वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और जी दूसरी मैंने एक पिंक आई मेकअप लुक किया था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की ये वाली लुक है जी, आप ये मेहंदी पे भी कर सकते हो, मायो पे भी कर सकते हो, कैजुअल भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी होती है। इंसान बस थोड़ा सा कलर का इधर उधर करता है और उसके बाद लुक क्रिएट कर लेता है। जल्दी से मेकअप उतार लेते हैं उनके आने से पहले। मैंने आपके साथ ये स्पॉन्ज शेयर करना था जो कि मैंने ब्यूटी क्लियर से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा, और प्राइस इसकी 250 है। तो बहुत ही अच्छा है ये, हमें मेकअप वगैरह उतारने के लिए ना, मेकअप उतारने के लिए कोई भी आपको मेकअप रिमूवर या कोई भी और ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने पानी में इसको डिप करना और अपना मेकअप उतार लेना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज है, अगर आपने बाय करना हो तो बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके बाय कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। तो जल्दी से अपना मेकअप रिमूव करते हैं। और मैंने जल्दबाजी में ना ऐसी सारी चीज़ें फेंक दी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा मैस कर दिया मैंने अलमारी में। मैंने सोचा था चलो आके कर लेंगे सेट, अब मैं उनके साथ भी नहीं जा पाई और मैंने मैस भी कर दिया। अब चलो इसे सेट करते हैं, बहुत ही चीज़ें इधर उधर कर दी मैंने जल्दी जल्दी में। तो इस तरीके से आपने स्पॉन्ज को वेट करना होता है, उसके बाद अपना मेकअप आपने उतार लेना होता है और कुछ चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी होती। मैं जल्दी से मेकअप उतार के आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या है। मुझे तो ये बेस्ट 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 लगता है, ये pom.com है मेरी नज़र के मुताबिक। आगे जी हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो मेकअप था वो उतर चुका है, और ये जी मैंने साबुन से इसे वॉश किया तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये देखें जी, अब मैंने अभी तक कोई भी क्लिनज़र या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की और मेरा जो फेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। जस्ट मैंने इसी स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने अपने फेस को नीट किया है जी। बारी है फेस को क्लिनजिंग करने की। आप कोई भी मेकअप यूज़ करते हैं या कोई भी आप अपने फेस पे क्रिएटिविटी करते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आप मस्ट अपने फेस को क्लिनजिंग किया करें। उससे ये है कि आपका फेस जो डस्ट होती है या मेकअप होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर डेमजी कॉस्मेटिक का क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। फेशियल इनका बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, सेंसिटिव स्किन के लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ मैं अपने फेस पे फुल अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इसे क्लीन करूँगी। अयान और फैसल आ गए हैं, अयान स्कूल से आ गया। फैसल जी आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं एकदम से मैंने जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें रखी, बुरखा पहना, मैंने कहा मैं चलती हूँ, गेट पर गई तो आप दोनों गायब थे, मिनाहिल भी साथ चली गई थी, आप भी गए थे पापा शायद। अयान खा रहा है आइसक्रीम, इनके गले दोनों के ख़राब है लेकिन डेली पापा में लाके दिए, मैं क्या करूं? आप ही हालत है, पिंक पैंथर मैंने जी क्लिनजिंग कर ली है, स्क्रबिंग की है। स्क्रबिंग इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े का इनका स्क्रब और स्किन पॉलिश है, बहुत ही माइल्ड से इनके अंदर वो जो होते हैं ना दाने दाने से होते हैं वो बहुत ही माइल्ड से हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई या ड्राई पैचेज़ हैं तो आपको पता है ड्राई वाली स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि ड्राई पैचेज़ जब रिमूव होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है फेस पर।
तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगी है। मेरी स्किन भी ऑयली है, मुझे अपनी स्किन के लिए भी अच्छा लगा है, लेकिन इसका अगर मैं यानी कि मसाज या बाकी सब चीज़ें अप्लाई करती हूँ तब मुझे ऑयली स्किन के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जस्ट मुझे इनका क्लिनजर स्क्रब अच्छा लगा ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ये बहुत ही मज़े का इसका रिज़ल्ट है। अगर आपने बाय करना है तो बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा और बाय कर लीजिएगा। रूम की सारी सफाई डन हो गई और लाइटों ने इतना ज़्यादा यानी कि ख़राब किया हुआ, बहुत ही लाइटें जा रही हैं। तो ये है डेंजी कॉस्मेटिक का फेशियल जो मैंने अभी क्लिनजिंग और स्क्रब किया है। अब मैं टूनर अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि टूनर मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा जल्दी जल्दी में। ये टूनर भी अप्लाई, ये फेशियल सेंसिटिव स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। आज जी हमने खाने में बनाया है हलीम, जो कि मेरे देवर ने तैयार किया है। अभी सुबह के 11:30-12 बजे का टाइम है, लेकिन हलीम आज जल्दी ही तैयार हो गया है हमारा। आज जी पहले मैं तकरीबन जोहर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, फिर मैं 5 बजे उठी हूँ और अब जी मिनाहिल सो गई है। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ी थी, तो इतनी देर में मिनाहिल सो गई। से कह भी रहे थे अभी ना सो जी। आज रावलपिंडी का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सुबह सहरी के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी क्योंकि कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी ना गर्मी की वजह से, जो बच्चों को स्कूल से लेके आना जाना की वजह से ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो आज से मैंने फिर ना फैसल से मैं यही गिला कर रही थी, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, अब रोज़े की हालत में ना मुझे बाहर लेके जाते हो इतनी गर्मी में ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने आज मौसम इतना अच्छा कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ बादल ही बादल आ रहे हैं और सुबह से ठंडी हवा चल रही है। मैं अफ्तारी देने आई हूँ, मैं ज़रा अफ्तारी दे लूँ फिर देखते हैं। आज हमने अफ्तारी में बनाए हैं चिकन मायोनीज वाले सैंडविच और साथ है रोल। आज हमारी अफ्तारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ दो ये चीज़ें हैं और साथ दूध वाला शरबत बनाया है। हाँ फ्रूट चाट भी है साथ, भाभी ने याद करवा दिया। अफ्तार का टाइम हो चुका है, अजानें हो चुकी हैं, मैं और फैसल यहाँ पे कर रहे हैं अफ्तार। अयान आज ताई मम्मा और ताई अबू के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि मिनाहिल सो रही है। आज हमारे घर में शोर भी कम है क्योंकि वो सो रही है, वरना वो बहुत शोर करती है। क्या हुआ है, इधर तू आओ, क्या हुआ? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बच्चों की तबीयत हो रही है ख़राब। ये रही जी मिनाहिल, आइसक्रीमें खा खा के इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, लेकिन ये बाज़ कहाँ आए। ये रहा यहाँ, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इनको मेडिसिन दिलवा दें फिर। रमज़ान है, रमज़ान है, शर्म कर। मिनाहिल भी सुन दी है। अच्छा जी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इनके पापा आगे हैं, मैं मिनाहिल पीछे पीछे आ रहे हैं और चलते हैं फिर डॉक्टर के पास जाके इनकी मेडिसिन लेके वापस आते हैं। और फैसल जाएंगे अपने टेलर के पास, उन्होंने अपने कपड़े सिलाई करवाने के लिए देने हैं। चले चलते हैं। किससे क्यों नहीं, वो टिक्के नहीं बेचता, वो दुमचियाँ बेचता है। बहुत अच्छी बात है। ये वो लड़का है जिसको क्या हुआ है, आधा जोर से लग गया। हम जी डॉक्टर के पास से आ चुके हैं, मिनाहिल और अयान दोनों को इंजेक्शन लगा है। अयान अभी ट्यूशन है क्योंकि उसका टेस्ट होना है सुबह, उसके टेस्ट स्टार्ट हैं। तो अयान अभी ट्यूशन है, मिनाहिल अंदर भाभी के पास है। वो बहुत तंग करती है, जब बीमार होती है तो कहती है मुझे बस गोद में लेके बैठे रहो, तो वो अंदर है। मैं रोटियाँ बना रही हूँ, रोटियाँ बना के फिर खाना खाएंगे। नाहिल क्या कर रही है, उसके साथ खेल रही हूं। उछके खिचके बर्तन के साथ किचन सेट है ये आपका, जाओ आराम करो जाके।
नहीं खा रहे? नाइल हटो, खा लेते यान खाना। क्या हुआ तबीयत, ठीक है? क्या हो रहा है? अभी जी 10 बजे का टाइम हो रहा था तो यान आया ट्यूशन से पढ़ के, मैंने उसे खाना दिया लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं खाना नहीं खा रहा। कह रहा वापस ले जाओ, हम मैंने मेडिसिन पिलाती हूँ और इन्हें सुलाने की करती हूँ जी। तो ये बहुत ही मज़ेदार हलीम जी तैयार किया है अयान के चाचू ने। इसके चाचू है ना जो अयान के, वो बहुत ही मज़े के खाने तैयार करते हैं। तो यानी कि जैसे प्रोफेशनल शेफ़ नहीं तैयार करते खाने, वैसे उनके खाने होते हैं बहुत ही लजीज होते हैं। कभी कभार ही वो पकाते हैं जैसे कि हलीम हो गया या कोई और चीज़ ऐसी, अगर कभी कभार उनका खुद का खाने का दिल करे ना फिर वो खुद तैयार करते हैं। बहुत ही अरसे बाद उन्होंने ये हलीम तैयार किया है तो बहुत ही मज़े का बना हुआ है। आज की जो हमारी वीडियो वो यहीं तक की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अभी ये मैं खाने के बाद बच्चों को मेडिसिन पिलाऊंगी, फिर उन्हें सुलाऊंगी। अभी मैंने नमाज़ अदा नहीं करी, नमाज़ अदा करनी है और उसके बाद जो छोटे मोटे और काम है वो ख़त्म करने हैं। तो मैंने सोचा आज वीडियो का एंड यहीं पर कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।